हेलो फ्रेंड्स, आई थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। माय नेम इज एडवोकेट कविता। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन इफ यू आर ए न्यू कमर, इफ यू आर ए फ्रेशर एडवोकेट इन द कोर्ट एंड यू डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिबिट डॉक्यूमेंट एंड द मार्क्ड डॉक्यूमेंट, देन दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर यू। बिकॉज एट द एविडेंस स्टेज न्यू कमर्स स्टूडेंट्स डू नॉट नो अबाउट द वट इज विच डॉक्यूमेंट कैन बी एग्जिबिटेड एट विच document can be marked, then there is a totally big difference between a document exhibited and between a document can be marked. Then this video is perfectly for you. Now let's get start. First point is that if you are going at the evidence stage and you are going to examine the documents for the evidence purpose, then you will have to exhibit the document at the time of the evidence, and you are at the table and you are going to exhibit your document at the court file, then the things you have to keep in mind. First thing is that agar aap apni file mein jo aapki court ki file hai aap usme documents ko exhibit karne ja rahe hain अब ये एविडेंस का मेन स्टेप हो गया, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि भाई एग्जिबिट किन किन के ऊपर लगेगा। अब एग्जिबिट उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगेगा जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में लगे हुए हैं। हाँ जी, जो आपने एट द फाइलिंग ऑफ द केस या फिर एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस जो आप फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जो लगा चुके हैं, जब आप उनके ऊपर एग्जिबिट लगाओगे, आपको एग्जिबिट उन्हीं के ऊपर लगाना है जिनके जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही आप एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई यहाँ पर एक्सेप्शन है कि भाई अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सिर्फ उसी को किया जा सकता है, अगर हम फोटोकॉपी लगाएं तो क्या उसको एग्जिबिट नहीं किया जा सकता? अब ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। ये एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन ये है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है वो, उसके आप उसको सबमिट नहीं करवा सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अब एक्सेप्शन ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, हाँ जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उसको भी एग्जिबिट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आ गया, सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या है? कि आप स्पेसिफिकली किसी नोटरी से अटेस्ट करवा लेते हैं तो वो टोटली सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी एग्जिबिट के लेवल की, कि आप उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप, जैसे कि कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई DMC है या फिर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट की फाइल से रिलेटेड है, कुछ है, आप उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं। अगर आप उसके लिए कोई सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करते हैं और वो प्रॉपर उस अथॉरिटी से ही आपने सर्टिफाइड कॉपी ली है जो कि लायबल है उस सर्टिफाइड कॉपी को आपको देने के लिए, अगर आप उसी अथॉरिटी से सर्टिफाइड कॉपी प्रॉपर जो अथॉरिटी बनती है सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए, जिसकी ड्यूटी बनती है, अगर आपको वो सर्टिफाइड कॉपी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके ग्रांट कर देती है, तो उस फोटोकॉपी को जो प्रॉपर सर्टिफाइड की फॉर्म में है आप उसको एग्जिबिट कर सकते हैं इन द फाइल। हाँ जी, एक तो होगी यहाँ पर बात कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सर्टिफाइड किया जा एग्जिबिट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई फोटोकॉपी है और वो प्रॉपर एक अथॉरिटी जिसके पास राइट बनता है सर्टिफाइड कॉपी का, हाँ जी, जैसे कि रजिस्ट्री होती है, हमारी सेल डीड्स होती हैं, अगर आप तहसील में जाके उनकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपको सर्टिफाइड कॉपी दे देंगे, और उनके पास अथॉरिटी भी है आपको सर्टिफाइड कॉपी देने की, तो उनकी तरफ से जो प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी आपको मिली है तो वो मार्क नहीं होगी, तो वो वहाँ पर ओरिजिनल के साथ साथ उस सर्टिफाइड कॉपी को भी एग्जिबिट ही लिखा जाएगा, वो एज ए एग्जिबिट डॉक्यूमेंट ही फाइल पर लग जाएगी, फोटोकॉपी है जो उस डॉक्यूमेंट की। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं इस वीडियो में आपको कहना चाहती थी। अब हम आ जाते हैं मार्क के बारे में। मार्क है जो कौन से डॉक्यूमेंट से जो मार्क होते हैं, मार्क उनको बोला जाता है जो डॉक्यूमेंट होते हैं फोटोकॉपी के नेचर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफाइड कॉपी है, प्रॉपर अथॉरिटी से लेके आपने सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में लगाई है, उसको एग्जिबिट कर दिया गया है। लेकिन अगर ऐसी कोई फोटोकॉपी आपके पास है जो आपने प्रॉपर सर्टिफाइड जो अथॉरिटी है, जो इसके पास पावर है सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए आपको, अगर आप उससे वो सर्टिफाइड कॉपी ना लेकर ऐसे ही उस डॉक्यूमेंट की कहीं से भी आपके पास पहले कोई फोटोकॉपी पड़ी थी या आपने कहीं से किसी ना किसी में अवेलेबल करवा ली है, तो आप उसको कोर्ट में जब सबमिट करते हैं और एक नोटरी से अटेस्ट करवा के अगर आप उसको कोर्ट फाइल पर लगाते हैं एट द स्टेज ऑफ द एविडेंस, तो वहां पर वो एग्जिबिट नहीं होगी,
क्योंकि आपने उसको प्रॉपर जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है देने के लिए, आपने उससे नहीं ली वो फोटोकॉपी, आपने किसी ना किसी वे में अपने लिए ही अवेलेबल करवाई है वो। क्या पता आपके पास पहले से पड़ी हो, या आपने इधर उधर से कैसे भी करके नदर वे आपने अवेलेबल करवा ली, नोटरी से अटेस्ट करवा के आप उसको वहाँ पर लगा रहे हैं, तो वहाँ पर वो एग्जिबिट नहीं होगी, उसको सिर्फ और सिर्फ मार्क किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क ही होगी। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस है एग्जिबिट और मार्क के लिए। एग्जिबिट हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफाइड कॉपीज को ही किया जाता है, और मार्क किया जाता है फोटो कॉपीज को, जो कि सर्टिफाइड फॉर्म में नहीं होती। वो यूं ही अगर आप नोटरी की फॉर्म में लगवा देते हैं तो टोटली सर्टिफाइड कॉपीज नहीं मानी जाती, उनको सिर्फ और सिर्फ मार्क कर लिया जाएगा, एग्जिबिट नहीं किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है एग्जिबिट और मार्क के बीच में। जो एग्जिबिट है उसको हाई लेवल ऑफ एविडेंशरी प्रूफ माना जाता है, और जो मार्क, जो डॉक्यूमेंट मार्क होते हैं, उनकी जो एविडेंशरी वैल्यू है, उनकी जो मतलब कि रेलिवेंसी है, वो एग्जिबिट डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। और काफ़ी बार वो जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी मर्जी होती है, काफ़ी बार वो मार्क को कंसिडर करें तो करें, और ना करना चाहें तो वो ना भी करें। तो इस ये डिपेंड करता है उनके ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको होप्स हो ये थोड़ी सी क्लैरिटी इस वीडियो के थ्रू आई हो। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई है तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द एग्जिबिट डॉक्यूमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ द एग्जिबिट डॉक्यूमेंट एंड द what is the process of marking the document, then you can mention in my comment box. Please, if you like this video, please like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you so much.